मम्मी की मशीन कैसे चली। हाय दोस्तों, हम दोनों निशा और विराट फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर तैयार है। आप सब मेरी मॉम निशा को तो जानते ही हैं। उनकी उम्र 42 साल है। इस बार हमारी इस कहानी में एक और लेडी जुड़ गई है। ये मेरी नेट फ्रेंड है और इसका नाम पायल है। पायल की उम्र 36 साल है। वो एक शादीशुदा लेडी है। वो शहर में रहती है। मैं उसे दीदी भी बोलता हूँ। नेट सर्फ कर रहा था। नेट की सर्फिंग के दौरान ही मुझे एक लेडी मिली। अब मैंने उसे अपने मॉम को सपने के बारे में बताया। उसे मेरा ख्वाब बहुत पसंद आया। उसने मुझे बोला, अपनी माँ को दिखाओ। मैंने मॉम की फोटो उसको दिखाई। उसके साथ मेरी इस को लेकर काफी कुछ बातचीत हुई। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया। मैं माँ को लेकर उसके शहर गया, जो कि बहुत दूर था। मेरी मॉम निशा घूमने की शौकीन है, तो मैं और वो कुछ देर तक बातचीत करने के बाद जाने को राजी हो गए। हम दोनों ने अपनी सब तैयारी की और चल दिए। मैंने उन्हें फ्लैट में ले लिया। इससे मैं खुश हो गई। एयरोड्रामा से हम दोनों मेरी इसी फ्रेंड पायल के यहाँ पहुंचे। मैंने मॉम को बताया कि पायल मेरे दोस्त की बहन है, और मॉम के सामने मैंने पायल को दीदी कहकर ही संबोधित किया। मेरी मॉम ने उसे मेरी बहन की समझ लिया। पायल के घर में हमने पानी पिया, जो कि प्लान का हिस्सा था। पायल ने उसमें पहले से बढ़ाने वाली दवा मिला दी थी, जिसे तुरंत ही माहौल में आ जाए। मेरी मॉम ने पानी पी लिया और कुछ ही देर बाद पानी का असर दिखाई शुरू हो गया। इसके बाद मैं और पायल अपनी प्लान को लेकर आगे बढ़े। मैं वहां से अपनी मॉम निशा को लेकर निकल गया कि मैं अपने काम से शहर में जा रहा हूं और शाम तक आऊंगा। आने के बाद हम सब थोड़ा घूमने जाएंगे। कब तक आप दीदी के साथ होटल चली जाना और मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा। होटल में रुकने की बात मेरी मॉम और पायल को मालूम थी, और उस होटल की बुकिंग वगैरह पहले से ही हो चुकी थी। मेरे निकलने के बाद ही वो दोनों भी एक टैक्सी में होटल के लिए निकल गए। ये होटल पायल दीदी के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन ये सब सिर्फ पायल दीदी को मालूम थी। मेरी मॉम को नहीं मालूम था। ये होटल बहुत महंगा और बढ़िया था। जब वे दोनों उधर पहुंची, तो मैं उन्हें दूर से देख रहा था। दीदी ने होटल के रिसेप्शन पर जाकर बुकिंग की बात बताई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो दोनों रूम में जाने लगी थी। इसके बाद पायल ने मुझे जो बताया उसको लिख रहा हूँ। रूम में पहुंचकर पायल दीदी ने माँ को कहा, आप चेंज कर लो। माँ ने कहा, हाँ पायल, प्लीज तुम मेरी थोड़ी हेल्प करो। मेरी मॉम ने ध्यान दिया कि उनका सामान रिसेप्शन से ऊपर नहीं आया है। उन्होंने ये बात पायल से कही, पर मॉम के सामान को मैंने ही रुकवा दिया था। ये बात दीदी को मालूम थी। दीदी बोली, ओके आप रुको, मैं देख कर आती हूँ, आप जब तक यही रेस्ट करो। ये कहकर पायल दीदी कमरे से निकल गई। इसके 5 मिनट बाद हमने एक विदेशी बॉय को इशारा किया। वो एक वेटर की ड्रेस पहनकर पहले से ही तैयार था। ये विदेशी लड़के इधर बॉय का काम करते हैं, तो मैंने उसे सामान लेकर कमरे में भेज दिया। रूम की चाबी तो पायल के पास थी। वो कमरे में घुसने लगा। उसके दरवाजा खोलते ही हम दोनों जल्दी से अंदर जाकर पर्दे के पीछे छिप गए। उन्हें इस वक्त कोई होश ही नहीं था कि कमरे के अंदर वेटर आ गया। 2 मिनट बाद उनको होश आया। वो विदेशी लड़का वहीं खड़ा था। मैं जानता था अब तो कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा और होने वाला है, क्योंकि फॉरेनर्स लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तभी मॉम ने उसकी तरफ मुस्कुराई। उस विदेशी बॉय ने मिशन पे अमल करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं नशे की वजह से मिशन में दिक्कतें आती, मगर विदेशी बॉय सब संभाल लेता। फिर विदेशी बॉय को तो सब पता था कि क्या कैसे करना है, तो उसने मिशन पे काम करना शुरू कर दिया और मैं देख रहा था। मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकती दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो मिशन बड़ा था, मशीनें भी बड़ी होगी। जब मिशन चालू हुआ तो सब तरफ गर्मी का माहौल था और मशीनें टकराने की आवाज़ें थी। जैसे कोई फैक्ट्री में इतने सारे काम होते हैं, वैसे ही मशीनें गर्म हो जाती हैं। बाद में उसकी गर्मी अब ढलान पर आ जाती है। और दोस्तों, यहाँ की मशीन थोड़ी कमज़ोर होती है, तो उससे टाइम बढ़ाने के लिए उसे गोलियों का उपयोग करना होता है। उस वक्त गोलियों का उपयोग भी हुआ था। फिर जैसे ही मशीनों का काम आखिर टाइम में आने लगा, वैसे ही इतने उतने में ही हमारे कमरे की बेल बजी। मैं डर गया कि पायल आ गई, और अभी तो मशीनों का जोड़ में जोग है। मैंने उस घंटी को इग्नोर कर दिया और पसीना मशीनें वापस से शुरू करवा दी। दरवाजे की डोरबेल बार बार बज रही थी। तभी उस बॉय बने वेटर ने कहा, मैं देखता हूँ। वो दरवाजे के करीब गया और थोड़ा सा खोलकर उसने बाहर झांका। उसने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दरवाजा खोल दिया। बाहर एक लेडी वेटर खड़ी थी।
उस लड़के ने उस लड़की को अंदर खींच लिया। उस वक्त मेरा बॉय खड़ा था। फिर जैसे फैक्ट्री में लाइट जाने के बाद काम रुक जाता है, ऐसे ही काम रुका और फिर से लाइट आई और फिर से काम, मतलब कि मशीनें अपने काम से काम में जुट गईं। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है? अपने कमेंट हम दोनों माँ बेटे बहुत मज़े से पढ़ते हैं और फिर आपके लिए ही हम दोनों अपनी घटना को साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वहीं बाजू में घंटी है उसे दबा दो। आखिरी इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है, तो इतनी ही तो सिंपल करना है। अब मैं आशा करती हूँ आप ये काम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।